मुस्लिम लीग नून के साबिक मशीर हुकूमत नदीम जकर साहब से मासूम न्यूज ने मुलाकात की और उनसे मालूम ली कि बदयाती इंतबात के जरिए जो कौंसल मुंतखब होंगे क्या वो बाख्तियार होंगे या नहीं होंगे और इनकी क्या राय कि उनको बाख्तियार होना चाहिए। तो उनका जवाब था कि पहले तो सबसे पहले आज के जो बदयाती इंतबात 31 साल के बाद होने जा रहे हैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन हुकूमतों ने हार कराने में किरदार अदा किया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इलेक्शन कराने का असल मकसद है कि बदयाती जो हमारी काउंसलर हैं या बल्दी है मेयरशिप है उसको मजबूत बनाना है, क्योंकि यूरोप ममालिक में जो हमारी मेयरशिप है इंग्लैंड में देखते हैं वो एक बड़ा पावरफुल अदारा होता है और उसको बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर ये किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर ये लोग मायूस हो जाएंगे, क्योंकि MLA फिर लोगों को MLA के साथ बाहर जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जब वो MLA साहब जो हैं उनके बहुत कम होता है और वो जो दारा हुकूमत का जो मेयर है वो अपना किरदार अदा कर सकता है और शहरियों की सही खिदमत कर सकता है।